मेरे अब्बा को इसलिए कोई घर तो दिला अंकल। अभी इस बारिश के हालत में लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर के बदले घर चाहिए भाई, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बताओ ना आप। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इनको आज का आज तुरंत ये फैसला हुए और इनको स्कूल में या माड़ा में रूम दिया जाए। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड बरकत पार्क डी विंग इमारत में एक स्लैब टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद इमारत में हड़कंप मच गई। हादसा ये कल रात में हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। लगातार मूसलाधार बारिश में ये इमारत जर्जर हो चुकी है और पहले मंजिले पर एक रूम का स्लैब टूटकर गिरा, जिसके बाद इस इमारत में रहने वालों को इमारत से बाहर निकाला गया और मनपा के कर्मचारियों ने इमारत और रूम को पूरी तरह से सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पुरानी बरकत पार्क डीविंग इमारत थी और पूरी तरह से ये जर्जर हो चुकी थी। मनपा ने भी इस इमारत को धोखादायक घोषित किया था। इमारत सील होने के बाद लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। स्लैब गिरने से मचा हड़कंप। बारिश के महीने में लोग हुए बेघर। मेरे अब्बा को इसलिए कोई घर तो दिला अंकल। क्या मनपा इनके रहने का बंदोबस्त करेगी? कल रात स्लैब गिरने के बाद इमारत में रहने वाले 17 परिवार इस बारिश के महीने में सड़क पर आ गए। हादसे के बाद इनके आशियाने को मनपा ने सील कर दिया। अब रात इमारत के बाहर बारिश में गुजारने के बाद इन परिवारों की मांग है कि मनपा इन्हें कहीं रहने का बंदोबस्त करे। हालांकि इन्हें TMC स्कूल में रहने को कहा गया है, मगर इनका कहना है कि माहडा या दोस्ती में रहने की जगह दी जाए। स्कूल में कब तक रहेंगे? हम लोग को घर के बदले घर चाहिए भाई, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बताओ ना आप, तुम भी बताओ। घर के बदले घर ही चाहिए अभी हम लोग। अब भारी स्कूल में आप लोगों को फौरी तौर पर कहा गया रहने के लिए, तो आप लोग 2-3 दिन स्कूल में रह सकते हैं। वो भी कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है कि हम लोग को मिलेगा। क्या है, क्या दोस्ती में या माड़ा में आप लोगों को? माड़ा में दे दो हम लोग को, माड़ा में दे दो, माड़ा में दे दो हम लोग वहाँ रह लेंगे। अभी यहाँ कहाँ रहेंगे, यहाँ पे तो रोज सीलिंग गिरे ही जा रही है। किसके घर में गिरा है ये सीलिंग? ये ऊपर एक माले पे, एक माले पे मैं रहती थी ना, मेरे बाजू में, इसके बाजू में गिरा। कल इसके काम पे गई है, इसका सामान हमारे सब अंदर है। ये सामान लॉक करके चले गए, सब सील मार के, सब काम सामान सील मार के लॉक मार के चले गए। अच्छा, जो सीलिंग किसी को कुछ नहीं लगा, सर छुपाने के लिए जिसका प्रॉब्लम हुआ। अब ये बिल्डिंग में ना डीविंग में 48 रूम है ना, तो इसमें से लोग सिर्फ कितने रहते हैं अम्मी? 17 लोग ही लेते, बाकी सब खाली है। और बाकी 8-2 लोग ओनर लोग, बाकी सब बाढ़ोतरी लोग है। वो भी कहाँ जाएंगे? हाँ, लोग भी कहाँ जाएंगे? मेरे अब्बा को इसलिए कोई घर तो दिला अंकल। हम लोग ऐसी रोड पे रह गए क्या? हमारे साथ कोई है नहीं, मेरी दादी BMC में काम करते, कोई बताया नहीं, कोई घर कपड़े तक नहीं लिए हम लोग अपने, तो कहाँ रह गए हम लोग? हम लोग के साथ कोई नहीं है। जब से गिरा तब से आप लोग ऐसे बाहर ही घूम रहे हैं? बाहर ही हम लोग, बच्चे बच्चे सब लेके बाहर ही है। इमारत सील हो गई है, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, क्योंकि इमारत काफी जर्जर हो चुकी थी। काफी भयानक हादसा हो सकता था, इसलिए मनपा ने इस इमारत को खाली करवा दिया। वहीं नगर सेवक शाह आलम और समाज सेवक रेहान पीतरवाला ने मनपा से इन 17 परिवार वालों के लिए इस बारिश में घर देने की मांग की है, ताकि इनके रहने का बंदोबस्त हो सके। हालांकि नगर सेवक शाह आलम का कहना है कि किराए पर ही सही, मगर इनको रहने का बंदोबस्त किया जाए। सालम भाई, जो इमारत है कितनी साल पुरानी इमारत है और सीलिंग गिरने की वजह से इसे खाली करा दिया गया है, तो जो लोग हैं अभी वो बेघर हो गए, इनके रहने के लिए आप लोग कहाँ बंदोबस्त कर रहे हैं? मनपा जो इनके लिए क्या बंदोबस्त कर रही है? देखो, ये बिल्डिंग कम से कम 30 साल पुरानी है इस्लामुद्दीन भाई, और रहा सवाल इनके जो घरों का, तो अभी प्रशासन से हम लोग की बात चली, सारे अधिकारी आए हुए थे, तो हमने इनसे कहा कि भाई जो ये 17 टैलेंट रह रहे इस वक्त, उनको आप माड़ा में घर दिया जाए, भले भाड़ा लेती सरकार, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम से कम इनको वहाँ पे घर दिया जाए। अगर वहाँ नहीं हो रहा, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हो रहा, क्योंकि कोरोना वो चल रहा है, इसकी वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं चल रही, तो म्यूनसिपलिटी स्कूल की बात चल रही कि हम वो फाइनल करके बताते हैं। अगर म्यूनसिपलिटी स्कूल में दे रहे तो तुम 1-2 दिन 4 दिन रखो, उसके बाद इनको आप शिफ्टिंग करो वहाँ पे।
माड़ा में भाड़ा लो, अगर भाड़ा ले रहे हैं तो उसके बाद उस पीरियड में ये लोग बेचारे खुद उनको वक्त मिलेगा ना कहीं भाड़े पे छोड़े, सस्ते रूम का भाड़े का कर सकते। अभी अभी इस बारिश के हालत में लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इनको आज का आज तुरंत ये फैसला हुए और इनको स्कूल में या माड़ा में रूम दिया जाए, ताकि इनको भाड़ा लो आप रूम इनको दिया जाए, नहीं तो इस बारिश की और कोरोना के हालत में ये लोग को हम लोग ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए सरकार से मेरी प्रशासन से ये मांग है कि आपने लॉक कर दिया ठीक है, खत पे धोखा दिया कि सबको मालूम, लेकिन अब ये इंसान है ना उस मुसीबत से तो निकल गए, लेकिन बड़ी मुसीबत इनकी है कि अपने परिवार को लेकर रहेंगे कहाँ। तो इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि इनको माड़ा के अंदर घर दिया जाए, जितने आज आज इसका फैसला होना चाहिए। ये बारिश का सूखा दिन रहता तो समझ में आता है यहाँ वहाँ लोग दिन निकाल लेते, लेकिन ये बारिश में कहाँ जाएंगे? तो आपने अभी तक बात की, क्योंकि कल ये जो आपके सामने ये सारे लोग के सामने हमने उनको बुलाया, सबके सामने बुलाए गए तमाम अधिकारी आज आए हुए थे, सबके सामने यही बात रखी गई कि इनको आप लॉक कर रहे ना, घर सील कर रहे, तो इनको रहने के लिए जगह का इंतजाम करके दो, ये प्रशासन का काम है इंतजाम करके देना। अब बात चल रही है प्रशासन से, पाठक साहब से भी बात हुई, पाठक साहब बोले हम डीएमसी से बात कर रहे हैं, डीएमसी इस वक्त शायद कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक बात करेंगे वो प्रशासन से बात, तब तक ये लोग आखिर कहाँ रहेंगे? अभी उसके लिए तो हम लोग ये बात करेंगे भाई, कम से कम स्कूल में तो रहने के लिए प्रशासन के पास दो ही चीज है, स्कूल है और माड़ा है, दोनों में से कोई भी एक दो इनको अभी भाई, ये सारे लोग के पास सबके रिश्तेदार तो या सबके रिश्तेदार भी हैं तो सबके पास कोई डबल बेडरूम का घर तो है नहीं कि लोग इनको ले आके अपने पास रख लेंगे। 30 साल पुरानी इमारत का हालत दयनीय है और इमारत को खाली कराकर मनपा ने इसे सील कर दिया है। 17 परिवार इस इमारत में रहते थे, मगर अब उनके पास सर छिपाने के लिए छत नहीं है। शासन प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें रहने के लिए घर दिया जाए, बंदोबस्त इनके रहने का किया जाए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।